मानने वाले लोग हों, हर धर्म में सिखाया जाता है कि शराब बुरी चीज है। सारा धर्म शराब के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है। आप जितने समाज सुधारकों को देख लीजिए, जिन्होंने समाज के सोच में बदलाव लाया, चाहे संत कबीर हो, रविदास हो, संत रविदास हो, सब लोगों का देखिए, सब लोग शराब के खिलाफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराब के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शराब के खिलाफ, जेपी लोहिया शराब के खिलाफ। यहां की सत्तारूढ़ पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी विचार है उसमें शराब के लिए कोई स्थान नहीं है। इसे मैं तो आग्रह करता हूं कि यहां भी लागू करिए। अखिलेश जी युवा हैं, अगर ये हिम्मत करेंगे तो उनको नहीं मालूम है उनको कितना बड़ा समर्थन मिलेगा यूपी में, लेकिन वो हिम्मत करें। मैंने उनको बताया कि हमारे यहां भी गन्ना की खेती होती है, हमारे यहां भी गन्ना से जो मोलासेस है उससे स्प्रिट बनता था, शराब बनती थी, जो छोआ है उससे, आज उससे एथेनॉल बन रहा है। एथेनॉल की ज्यादा कीमत मिलती है, एथेनॉल को 10% पेट्रोल में मिलाया जाता है। अपने यहां जितने पेट्रोल की खपत है उतना यहां उत्पादन नहीं है, हम बाहर से आयात करते हैं, उसमें एथेनॉल मिलाया जाना चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में तो इतना मिलता है कि यहां जितने पेट्रोल की खपत है उसमें एथेनॉल को मिलाने के बाद भी इतना एथेनॉल का उत्पादन होगा, मैंने उसका हिसाब किताब लगाया, हजारों करोड़ रुपए के एथेनॉल का उत्पादन होगा, उसका देश के दूसरे हिस्सों में प्रयोग होगा। जो आयात करने में खर्च होता है पेट्रोल का आयात करने में, उस पैसे की बचत होगी और उत्तर प्रदेश की आमदनी बढ़ जाएगी। आज जो लोग टैक्स की चिंता करते हैं, हमने उसकी चिंता नहीं की, 5000 करोड़ आता, उत्तर प्रदेश बिहार की तुलना में ज्यादा बड़ा राज्य है, बिहार की तुलना में बहुत ज्यादा शहर है, यहां तो यहां खपत वहां की तुलना में और ज्यादा है, मैं मानता हूं। लेकिन आप कल्पना करिए कि 5000 करोड़ हमारे यहां जब टैक्स में आता था, सिर्फ टैक्स में आता था, वो कम से कम उसका दुगुना 10000 करोड़ रुपया का तो शराब लोग पीते होंगे। अब शराब बंद हो गया तो 10000 करोड़ रुपए की बचत लोगों की हो गई। उस 10000 करोड़ रुपए से अब कोई दूसरा काम करेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, बच्चों के लिए जूता चप्पल खरीदेंगे, उसको पोषक आहार देंगे, बच्चों का इलाज ठीक होगा, उसकी पढ़ाई ठीक होगी, और ये पैसा और काम में खर्च होगा तो बाजार का और विस्तार होगा, व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। और जब व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो दूसरे प्रकार के टैक्स सरकार के खजाने में आएंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि टैक्स में कमी आ जाएगी, ये टैक्स जो आ रहा था तो शराब का व्यापार कोई नैतिक व्यापार नहीं है, ये घटिया व्यापार है। तो अब उसकी जगह पर बेहतर व्यापार में वृद्धि होगी, उत्तर प्रदेश में तो और ज्यादा। अगर 15-16 हजार करोड़ रुपया टैक्स से आता है तो कम से कम 25-30 हजार करोड़ रुपया का तो जरूर शराब बिकती होगी यहां। अब आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश में 25-30 हजार करोड़ रुपया जो शराब में बर्बाद होता है उसकी अगर बचत हो जाएगी तो 25-30 हजार करोड़ रुपया दूसरे अच्छे कामों में जब लगेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी और यहां की आर्थिक स्थिति और सुधरेगी। जीतेश कुमार, तो इसलिए यह कोई कहता है कि इससे नुकसान होगा, गलत।
हमने बता दिया, ये जो कहते हैं कि हमारे यहां गन्ना किसान है और शुगर मिल में साथ साथ बनता है स्पिरिट छुआ से, तो वो किसानों को नुकसान होगा, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि जब चीनी मिलों में और दूसरे प्रकार के जितने डिस्टिलरी आज है वहां पर छुआ से स्पिरिट बनने के बजाय छुआ से इथेनॉल जब बनेगा तो और आमदनी बढ़ेगी, सरकार की भी आमदनी और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए ये मन बनाने की चीज है। तो जब हमको आचार्य पवन कुमार जी ने कहा कि वहां चलिए, तो मैंने कहा कि बहुत खुशी है, मैं जरूर चलूंगा। और आपको मैं दूसरा फायदा बता दूं, ये पूरा इलाका है, मुझे मालूम हुआ है कि एक्सीडेंट सड़क पर होता है यहां। अब एक बात जान लीजिए, बिहार में शराबबंदी होने से सड़क दुर्घटनाओं में 30% की कमी आ गई। अभी हाल में हम नितिन गडकरी का एक दिन देखे, भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं सड़क विभाग के, एक्सीडेंट पर चिंता प्रकट कर रहे थे कोई कार्यक्रम में। मैंने कहा कि भाई एक्सीडेंट के बारे में सचमुच चिंतित है, तो एक्सीडेंट की संख्या घट जाएगी अगर पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दीजिए, दुर्घटनाओं में कमी आती है। मैं आपको बताता हूं, अपराध की घटनाओं में कमी आ गई। बिहार का आंकड़ा, पिछले वर्ष जो अपराध हुए थे इन दिनों उसकी तुलना में 1 अप्रैल से लेकर 25 जून तक, पिछले साल 2015 में जितने अपराध की घटनाएं हुई थी और 2016 में 1 अप्रैल से लेकर 25 जून के बीच में अपराध की जितनी घटनाएं हुई है, इसमें भारी गिरावट आ गई है। हत्या की घटनाओं में 36% की कमी हुई है, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 70% की कमी हुई है, बलात्कार के मामलों में भी इसी प्रकार से कमी हुई है, 22%। महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी हुई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो अत्याचार की घटनाएं हैं उसमें कमी हुई, लूट में कमी, डकैती में कमी, चोरी में कमी, हर प्रकार के अपराध में गिरावट आ गई वहां एक शराबबंदी के चलते। अभी मुझसे आए थे, पटना में मिले थे 2 दिन पहले भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, केंद्रीय वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर श्री अरविंद सुब्रमण्यन, वो हमसे मिले थे, 2 घंटा हमसे बात हुई अनेक विषयों पर। अब जब हमने बताया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात इससे मैं परिचित नहीं था, इस तरह से अपराध की घटनाओं में कमी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है। मैंने कहा कि आप मेरे सरकार के आंकड़ों पर यकीन मत करिए, आप अपनी एजेंसी मुकर्रर करके दिल्ली से आप भेजिए बिहार और पता करिए अपराध की घटनाओं में कमी आई है या नहीं, और आप पता करिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है या नहीं। तो इस प्रकार से मैं सबको कहता हूं, मैं तो यूपी के मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि भाई आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो भेज दीजिए अपनी तरफ से लोगों को बिहार के गांव में और देख लीजिए शाम का माहौल कितना शांतिपूर्ण माहौल है, लोगों के जीवन में आनंद आया। सबसे बड़ी चीज क्या है जीवन में? न पैसा बड़ी चीज है, न प्रतिष्ठा बड़ी चीज है, संपत्ति बड़ी चीज नहीं, न कोई पद बड़ी चीज है। सबसे बड़ी जीवन में चीज क्या है? वह है आनंद, खुशी। और जाकर देखिए, एक कार्यक्रम से, शराबबंदी से, या धार्मिक क्षेत्र के भी लोग बैठे हुए मैं देख रहा हूं, रोज आप लोग जो श्रद्धालु आते होंगे उनको बताते होंगे आनंद से रहो, आप यही आशीर्वाद देते हैं कि आनंदित रहो। आप देख लीजिए, एक शराबबंदी ने लोगों के जीवन को आनंद से भर दिया।
वो सबसे बड़ी चीज है ये प्राप्त हुई। तो मैं तो यही कहूंगा, यहां जो भी मुहिम चल रही है उस मुहिम का मैं पूरे तौर पर समर्थन करता हूं, और देश के किसी भी कोने में शराबबंदी के मसले पर लोग मुझको अगर बुलाते हैं मैं मना नहीं करता हूं। अनेक राज्यों से लोग मिले, लोगों में उत्साह आया है, जहां पहले से शराबबंदी के लिए आंदोलन चला रहे थे वो तबका उत्साहित हुआ। और मैं तो चाहता हूं, अब इस मैं तो सोचता हूं कि अब इस उत्साह को कोई रोक नहीं सकता। मैं तो केंद्र सरकार से कहूंगा कि आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में गुजरात के स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने इन्होंने शराबबंदी को जारी रखा। तो मेरी अपनी समझ है कि मोदी जी ने चूंकि गुजरात में शराबबंदी जारी रखा इससे वो जरूर शराबबंदी की हिमायती है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पूरे देश में शराब को बंद कराइए, और पूरे देश में आप शराब बंद नहीं करा सकते हैं तो कम से कम भाजपा शासित राज्यों में तो शराबबंदी करवा दीजिए, लागू करवा दीजिए। इतनी बड़ी बात है, इतना फायदा है लोगों को। योग की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो न जाने वर्षों से योगासन करते हैं, योग करते हैं। हमारे यहां बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल ऑफ योगा है मुंगेर में, इस जगह पर है वो योग केंद्र स्कूल अवस्थित। मालूम है, आप महाभारत पढ़े होंगे, जो महाभारत में कर्ण की चर्चा है और कर्ण धानी थे, तो जिस स्थान पर अंग देश के राजा थे जहां पर कर्ण लोगों को दान दिया करते थे उसी स्थान पर मुंगेर स्कूल ऑफ योगा। स्वामी शिवानंद जी से दीक्षित होकर स्वामी सत्यानंद जी वहां गए, स्थापित किया। आज स्वामी निरंजनानंद जी हैं, बड़े जमाने से दुनिया भर के लोग योग सीखने के लिए आते हैं, बड़ी प्रतिष्ठित संस्था। और हमको मुंगेर स्कूल ऑफ योगा के योगासन को करते हैं न जाने वर्षों से। जब हम संसद के सदस्य थे, केंद्र में मंत्री थे, तब से ही करते हैं, बहुत पहले से करते हैं, लेकिन हम भजते नहीं है। अब तो योग को भी एक इवेंट बना दिया गया, तो खैर जिनको जो मर्जी करे, योग तो निजी चीज है, अपनाने की चीज है, दिखावे की चीज तो है नहीं। तो मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि भाई योग अच्छी चीज है, लेकिन अगर शराबबंदी लागू कर दीजिए तो योग और पूर्ण हो जाएगा। शराब के रहते योग अपूर्ण है, इसको अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो शराब को बंद करें। आज हमारे साथी यहां से तलाम साहब बोल रहे थे, किसान के विषयों पर चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि आपका आपकी राहत नहीं मिलती है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बिहार के बारे में कहा। चाहे भाई ओलावृष्टि हो, चाहे वज्रपात हो, चाहे बाढ़ हो, अग्निकांड हो, कोई भी घटना हो, घटना घटती है और किसी की मृत्यु होती है, 24 घंटा नहीं कलान जी, 4 से 5 घंटे के अंदर अधिकारी 4 लाख रुपया का चेक लेकर उनके परिजन के पास पहुंच जाते हैं, चाहे भूकंप का मामला। हम लोगों ने वहां इसकी कार्य संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बना दिया है। बाढ़ में क्या करना, सूखा में क्या करना, कोई आपदा आती है तब क्या करना, ये सब हम लोग करते हैं। और किसान के ऊपर तो पूरे देश का भविष्य जुड़ा हुआ। कहां तो किसानों को वादा किया गया था 2014 के चुनाव के पहले कि किसानों को जो फसल उपजाने में लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। कहां गया ये वादा? किसान के साथ अन्याय,
चुनाव के समय जो वादा किया उसको निभाना भूल गए। मैं तो काले धन की बात उनका भाषण सुना था, तो इन सब बातों को युवाओं के रोजगार की बात भूल छोड़ दी थी। मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। और आज जिस प्रकार की आर्थिक नीति अब लाई जा रही है, जिस तरह से विदेशी पूंजी निवेश के लिए 70% की छूट दी गई है, आश्चर्य की बात कि जब ये लोग सरकार में केंद्र में नहीं थे तो रिटेल में एफडीआई के खिलाफ थे। आज क्या हुआ, विचार बदल गया, सत्ता में आते वायदों को भूल गए, अब रिटेल में भी आप एफडीआई टोटल इजाजत दे रहे हैं। क्या होगा यहां के छोटे व्यापारियों का, तो न किसानों की चिंता न व्यापारियों की चिंता। इसलिए इन सब चीजों पर तो आप लोगों को मन बनाना है, लेकिन आज हम आए हैं एक विषय पर। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस इलाके में आप इस बात को लेकर अभियान चला रहे हैं, सशक्त अभियान चला रहे हैं, और इस इलाके में जमीन अधिग्रहित हो रही है, लोगों के पास जमीन का पैसा आ रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि शराब के लत में मत पड़िए, शराब के चक्कर में मत पड़िएगा। जो भी पैसा आता है उसका सदुपयोग कीजिएगा, शराब पीकर अपने पैसे को बर्बाद कर दीजिए। आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और इस इलाके में अभियान चलाना और मौजूद है, इससे मेरा पूरा समर्थन है। आपको यहां एक कार्यक्रम में बुलाए हैं, आप कभी कहिएगा कि चल के किसी गांव में लोगों को समझाने के लिए चलिए कि शराब बुरी चीज है, तो मैं उस गांव में भी चलने को तैयार होगा अगर इस तरह का कार्यक्रम कोई करेगा। क्योंकि मैंने महसूस कर लिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका इतना बड़ा व्यापक प्रभाव है लोगों के जीवन पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज तो देश भर में अपमांग हो रही है, कब तक बच के जाइएगा। अभी तमिलनाडु का चुनाव हुआ तो देखा, सब पक्ष ने कहा कि शराबबंदी करेंगे, और जब सरकार बनी तो जयललिता जी ने वहां शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ा दिया। केरल में चरणबद्ध ढंग से लागू है, अब तो धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। पहले तो